देश में इन दिनों कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। राहुल गांधी अपनी इस भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बीजेपी सरकार के भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी जैसे खूब मुद्दे उठा रहे हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की बहुत से लोग तारीफ भी कर रहे हैं, सबकी नजरें उन पर हैं और कांग्रेस के लिए इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि बीजेपी लगातार इस यात्रा को लेकर बात कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में हमेशा खड़े दिखाई देने वाले बाबा रामदेव जैसे लोग भी राहुल गांधी और भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ कर चुके हैं। कांग्रेस का कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा का असर भी देखने को मिल रहा है, जिस कारण बाबा रामदेव, आरएसएस के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले, नितिन गडकरी जैसे लोग भी बयान बदलने लगे हैं। तो बाबा रामदेव ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस मजबूत हो रही है। बाबा रामदेव कहते हैं कि लोकतंत्र में सत्ता और विपक्ष जिंदा होना चाहिए, तभी देश और उसके एजेंडे जिंदा रहेंगे। इसके बाद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस युवाओं को आगे ला रही है और अगर वो ऐसा करना जारी रखते हैं तो कांग्रेस मुक्त भारत की इच्छा रखने वालों के सपने कुचल दिए जाएंगे। ये कोई पहला मौका नहीं था जब बाबा रामदेव ने कांग्रेस की तारीफ की हो। इससे पहले उन्होंने कहा था कि नेहरू जी भी योग करते थे, इंदिरा गांधी भी योग करती थी, सोनिया गांधी भी योग करती हैं, राहुल गांधी भी योग करते हैं। आगे उन्होंने कहा कि अब उनकी मेहनत रंग ला रही है, भारत जोड़ो यात्रा में वो बहुत शान से चल रहे हैं। साथ ही उनके पोशाक को लेकर उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कभी कुर्ते में नजर आते हैं तो कभी टी शर्ट में नजर आते हैं, जो चर्चा का विषय बनता है, मीडिया चैनलों में हेडलाइन बन जाती है। जिस नेशनल मीडिया चैनल में राहुल को कभी कभी थोड़ी बहुत जगह मिलती थी वो अब नेशनल मीडिया चैनलों में छाए रहते हैं, यही उनकी विजय यात्रा है। जिसके बाद से सवाल उठने लगे कि क्या मोदी सरकार के लिए बाबा रामदेव खतरे की घंटी बजा रहे हैं। फिर तरह तरह के पोस्ट और कमेंट भी सोशल मीडिया पर बाबा रामदेव के लिए देखने को मिले। वैसे तो बाबा रामदेव हमेशा से सरकार के पक्षधर जाने जाते हैं, कई मुद्दों पर सरकार का बचाव भी करते आए हैं, जिसकी वजह से बाबा रामदेव को बीजेपी का प्रबल समर्थक भी कहा जाता है। वहीं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने अपने दिल्ली दौरे के दौरान ऑल इंडिया मुस्लिम इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ से मुलाकात की और तभी कांग्रेस ने भागवत से तिरंगा हाथ में लेकर राहुल गांधी के साथ चलने का अनुरोध किया। वहीं आरएसएस के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने बेरोजगारी और आय में बढ़ती असमानता पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने गरीबी को दानों बताकर इसे जल्द खत्म करने की सलाह दी थी। अब संघ के इस बयान पर कांग्रेस ने भी जवाब दिया है। कांग्रेस ने होसबोले के बयान पर जवाब देते हुए कहा कि उनकी भारत जोड़ो यात्रा का असर है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने बेरोजगारी और आय में बढ़ती असमानता पर चिंता व्यक्त की है। यहां सोचने वाली बात यह है कि होसबोले ने यह मुद्दा उठाते हुए चिंता ऐसे वक्त में जाहिर की है जब कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा के तहत बेरोजगारी, गरीबी जैसे मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रही है। वहीं नितिन गडकरी ने भी बेरोजगारी और भुखमरी, गरीबी जैसे मुद्दे पर बोलते हुए कहा था कि हम मातृभूमि को सुखी, समृद्धि और शक्तिशाली बनाना चाहते हैं। अब जब इन दिग्गजों के द्वारा ऐसे सुर उठ रहे हैं तो ये सवाल भी उठने लगे कि ये जितने भी सुर उठ रहे हैं वो भी तब जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, तो क्या ये सारे लोग भी भारत जोड़ो यात्रा को एक नई ताकत दे रहे हैं? फिलहाल आपको ये जानकारी कैसी लगी और आपका इस पर क्या है राय, हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।